नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। हदरस से शाह तुराबुल हक रहे परभणी फुटबॉल प्रीमियर लीग 2023 लाटे परवेज जियाउद्दीन कप ऑर्गनाइजर्स ग्लोब स्पोर्ट्स अकादमी व जिल्हा क्रीडा कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या लीगचे प्रमुख पाहुणे म्हणून अब्दुल खालिद सय्यद खाजा, तोयब हसनी, शाकिर मिन्नी, तयर शकील व शहानवाज फारूकी उपस्थित होते। एआर कंट्रक्शन आणि कलीम अन्सारी यांच्यामध्ये चुरशीचा सामना बरोबरीत राहिला। त्यानंतर दुसरा सामना हमू चौस आणि आहत बिल्डर्स यांच्यामध्ये पुन्हा एक चुरशीचा सामना झाला। हाही सामना बरोबरीत सुटला। 0-0 ने या स्पर्धा ईदगाह मैदान इथे सुरू आहेत। या स्पर्धा पाहण्यासाठी अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती। ओनर मोहम्मद जावेद, उन्हीं के साथ जो तो हनीफ सर और जो तो वसीम सर, सब जो तौसीफ सर, शाहनवाज भाई, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी से गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेयर को इंट्रोडक्शन कर तारुफ के। हाँ, फैसल किधर है? अपने टीम के लिए अच्छा खेले फैसल। हाँ, प्रीमियर लीग लेट मोहम्मद परवेज जियाउद्दीन मेमोरियल ट्रॉफी, ये हमने ये तीनों का जो हमारा लीग है उसका है नाम है। और ये टूर्नामेंट चालू हो चुका है जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था लीग में, और काफ़ी अच्छे से रोमांच भरे मैचेस हो रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए, मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा ग्लोब स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से। और ये जो मैचेस खेल रहे हैं बच्चों को, सभी टीमों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि उन्होंने अपना 100% दे रहे हैं अच्छे से अच्छे। और जिस तो लोगों ने हमको जो तो कॉपरेट किया, मदनी मार्ट, मदनी पैलेस, और जो जो लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। कि आपका निविया का ब्रांड है, सेगा का ब्रांड है, जिन्होंने निविया वाले ने हमको बॉल प्रोवाइड किए, सेगा वाले जो मैन ऑफ द मैच को बच्चों को शूज़ दे रहे हैं, ऐसे सभी का मैं धन्यवाद करूँगा। और जितने भी गेस्ट आए उनका एक शुक्रिया अदा करते हुए मैं आगे का जो कल हमारा जो इसका टूर्नामेंट का फाइनल होगा तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए, कल इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल होगा। और हमारा आने वाला जो टूर्नामेंट है परभणी बेबी लीग, ये जो तो बेहतरीन टूर्नामेंट लास्ट ईयर भी हुआ था जिसमें काफ़ी उत्साह से बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 6 साल से लेकर 15 साल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। टोटल 50 टीमों की एंट्री हो चुकी है अभी तक, जो जनवरी में हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। कि हम चाह रहे हैं कि यूथ को डेवलपमेंट करें, यही एक परभणी है जिसके अंदर इंडिया के अंदर रिप्रेजेंट करें प्लेयर। हमारा जो विज़न है विज़न 30, कि आने वाले 2030 तक परभणी के प्लेयर जो तो इंटरनेशनल में अपना नाम कमाए, बड़े बड़े क्लबों में खेले, उस विज़न को लेकर हम जो तो ये आगे का जो टूर्नामेंट है जनवरी का वो कर रहे हैं। मैं उसी के लिए भी उनको भी अपील करूंगा, जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो भी आके हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सैयद हजरत तुराबुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो परभणी की एक औलिया है, जिनके नाम से हर साल यहाँ पर उरस भरता है। हमारे सैयद शकील ग्लोब स्पोर्ट्स एकेडमी के तरफ से उन्होंने यहाँ पर फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, ये एक तो व्यस्त जिंदगी को भी जो है तो मद्देनजर रखते हुए युवा पीढ़ी के अंदर जिस तरह का एक जोश भरने का जो काम है, हर बार ये सैयद शकील सर करते रहते हैं। और वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जरिए से अपने टूर्नामेंट का आगाज करते हैं। आज का जो दौर है, मोबाइल का दौर है या अदर जिस लाइन में बच्चे आज नौजवान जा रहे हैं, एक शकील सर एक ने ऐसा अपना बीड़ा उठाया है कि बच्चों को उस चीज़ से दूर रखे, यानी कि मोबाइल और दूसरी एक्टिविटी जो है जो गलत तरीके की है उनसे दूर रखते हुए ग्राउंड एक्टिविटी, बच्चों का फिटनेस, चाहे बच्चे पहली से 12वीं तक हो, शकील सर के पास हर बैच के बच्चे जो है तो खेलते हैं। और ये युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है।
तो मैं यहाँ से यही अपील करूँगा कि जो भी बच्चे खेल में इंटरेस्टेड है वो शकील सर से जुड़े, अपना योगदान शकील सर के पास दें और अपने लाइफ को सेफ और सिक्योर करें, अदरवाइज दूसरे तरफ ना जाते हुए अपने आप को खेल से जोड़े और खेल में तरक्की हासिल करें। आज इतना अच्छा मौका है, T20 है, उसी तरीके से हर खेल का शॉर्ट वर्जन आ चुका है, शकील सर उसमें माहिर हो चुके हैं शॉर्ट वर्जन में। जो शकील सर से जुड़ेंगे इंशाल्लाह अपनी लाइफ को सिक्योर भी करेंगे और तरक्की के मकाम को हासिल भी करेंगे। बस इतना ही कहना था। रहते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सैयद तुराबुल हक इनके चैंपियनशिप के रूप में यहाँ पर प्लेयर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया है शकील सर ने, मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ और मुस्तकबिल के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि परभनी का नाम स्टेट पर ही नहीं बल्कि नेशनल तक वो अपने प्लेयर्स को चमकाते रहें और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो चमकाएंगे। इसी अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। याज बरोबर हे बातमीपत्र संपलं, पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।